सह दल संगठन चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाए हैं। सह चुनाव अधिकारी खूबचंद पारक को बनाया गया है। प्रदेश चुनाव अधिकारी मधुसूदन यादव को बनाया गया है। इसी के साथ ही कृष्णमूर्ति बांधी चंपा देवी पावले को भी सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बीजेपी संगठन चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बता दें कि अब संगठन के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अब जो है ये आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव अधिकारी के साथ सह चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति बीजेपी ने की है। तो ये सूची सामने आ चुकी है और यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। तो बीजेपी संगठन के चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर अब ये अधिकारी यहाँ की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बता दें कि यहाँ पर संगठन चुनाव के बीच संगठन चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सह चुनाव अधिकारी आपकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। बता दें कि खूबचंद यादव को प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया गया है, मधुसूदन यादव को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसी के साथ ही कृष्णमूर्ति बांधी और चंपा देवी पावले को बीच सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में एक चुनाव अधिकारी है, बाकी तीन सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो पूरे संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी को संभालेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अब संगठन के चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज है और इसी कड़ी में अब ये जो नियुक्तियां हैं ये हुई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सदस्यता अभियान के बाद संगठन की चुनाव की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसमें खूबचंद पारक को प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही मधुसूदन यादव, कृष्णमूर्ति बांधी और चंपा देवी पावले को सह चुनाव चुनाव अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। और कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान के साथ जो सक्रिय सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है और उसके बाद अब संगठन में चुनाव को लेकर जो हलचल है वो काफी तेज होती नजर आ रही है। और उसी कड़ी में अब देखा जा रहा है कि चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भी संगठन के लिए की गई है, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खूबचंद पारक को प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा कि संगठन का ये जो चुनाव है किस तरह से होगा। जो सक्रिय सदस्यता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इस सदस्यता अभियान का प्रभाव कितना रहेगा इस संगठन चुनाव में और किसे क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये तमाम जो है चुनाव के बाद ही पता चल पाएंगे। जी ठीक है, लगातार नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए।